कौन सा पाप मैंने किया कि मैंने 1000 गौशाला बनाई, 1000 गौशाला हमने 11 महीने में बनाई। कौन सा पाप? ये आप मेरे गवाह हैं, आप कांग्रेस के गवर्नमेंट के गवाह हैं और आपके सामने मध्य प्रदेश की आज की तस्वीर है। चुनाव आते हैं, जनपद का चुनाव आता है, जिला पंचायत का चुनाव आता है, यहाँ पे 44 साल चुनाव लड़ा है और जीता है। हर चुनाव का अपना मायने होता है, हर चुनाव का अपना अर्थ होता है। ये जो 17 तारीख को चुनाव है, ये केवल एक उम्मीदवार का नाम है, केवल एक पार्टी का नाम है। ये चुनाव हमारे मोबाइल मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है, हमारे नौजवानों के भविष्य का चुनाव है और इस चुनाव के रक्षक आप हैं, इस भविष्य के रक्षक आप हैं। आपको तय करना है कैसा भविष्य चाहते हैं, आपको तय करना है कि आगे आने वाली पीढ़ियों को हम कैसा प्रदेश रखना चाहते हैं। इतनी भारी संख्या में हमारे माताओं और बहनों बैठी थी शिवराज सिंह जी ने, जब मैंने कहा हम 1500 रूपये देंगे, शिवराज जी सामने आ गए, मैं 1000 रूपये दूंगा। लाडली बहन 18 साल तक पहले लाडली नहीं थी, चुनाव के 5 महीने पहले मैंने उनको लाडली बना दिया। मेरी माताओं बहनों, माताओं बहनों, शिवराज जी को पहचान दीजिए। कैसे आपको ये प्रलोभन दे रही है, वो सोचते हैं कि माताओं और बहनों को क्या समझ, मैं उनको प्रलोभन दे दूंगा, उनको खरीद लूंगा। और माता और बहनों, कांग्रेस की सरकार आएगी, हम केवल आपको 1500 रूपये तो देंगे देंगे, साथ में गैस सिलेंडर 500 रूपये में देंगे। हमारी माता और बहनों को घर चला दूंगी और उनकी मजबूती होने देंगे। माता और बहनों के घर में मजबूती आए, ये हमारा लक्ष्य है, देश को मजबूत होगा और माता और बहनों की जय हो। इसलिए माता और बहनों की आर्थिक मजबूती लाइक आज ज्यादा नहीं करना चाहता, क्योंकि वजन पत्र में सब खुलता है, पर एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि विकास किस चीज का हुआ, विकास किस चीज का हुआ है मध्य प्रदेश में, कमीशन का, घोटाले का, बेरोजगारी का। और मैं कहूं जब तक आप इनके नेताओं को बेरोजगार नहीं करेंगे, नौजवानों ये बेरोजगारी भी होने वाली है। शिवराज सिंह जी आएंगे, उनको दिखता नहीं है, उनको एक नौजवानों के चेहरे नहीं दिखते। आज वो कहती लाता हुआ किसान की बात नहीं सुन सकते, काम नहीं चलते, काम नहीं चलते, नाक नहीं चलती, काम नहीं चलता, मुंह बहुत चलता है शिवराज सिंह जी का, पर मुंह चलाने में हम प्रदेश के खड़े में बहुत अंतर है। ये आपको बात समझनी है, शिवराज जी के लिए हम तो समय आ गया। मैं जगह जगह जा रहा हूँ, तय कर दिया है, तय कर दिया है कि शिवराज सिंह आपकी आखिरी काम से बदले आपके बड़े प्यार से विदा करेंगे। घर बैठिए, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री जी रहेंगे, बहुत अच्छे एक्टर है, मुंबई जाएंगे, एक्टिंग कर लेंगे, मध्य प्रदेश करेंगे। ये शिवराज सिंह जी तो परेशान मत होइएगा, आपके लिए आगे का रास्ता भी मुंबई में खुला है। तो मैं अंत में आपसे यही कहना चाहता हूँ कि 17 तारीख को आप कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, तो तस्वीर रख लीजिए अपने सामने, सच्चाई के साथ आप सच्चाई का मन बनाएंगे, जाएंगे तो आप मध्य प्रदेश का भविष्य, कांग्रेस पार्टी और मुझे पूरा विश्वास है कि गुलामी बाहर वालों की अब चलने वाली नहीं है, कोई बाहर वाले की गुलामी नहीं है। आप स्वीकार करिएगा, विधानसभा शुरू होगी
आप सब देखेंगे कि बीमारी और पृथ्वी कुलता कांग्रेस का झंडा लहरा रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रशासन पृथ्वी को लड़ाई मैं कहना चाहता हूँ, ये जो आप कर रहे हैं, जो मैंने अभी कई बातें सुनी, कैसे प्रशासन पुलिस प्रशासन में या बाकी प्रशासन में कैसे प्रचार कर रहे हैं, ये सुनने कान खोल के कल के बाद परसों भी आएगा। और यह हिसाब लेना है आपसे, यह उनका करना है, आप और मैं क्या करेंगे। और ऐसा कोई चीजें जो मेरी सुन लें ترجمة نانسي قنقر।